नमस्ते। आज मन हुआ कि देश में दो प्रेम कहानियों पर खूब चर्चा चल रही है, उसकी जरा सी चर्चा कर ली जाए। आपको पता है, एक चर्चा चल रही है PCS है उत्तर प्रदेश की, और एक पाकिस्तान से आई हुई चार बच्चों की माँ। इन दोनों की प्रेम कहानी में अब आप अपने अपने ढंग से, आप भी उसकी मीमांसा कर रहे होंगे, आप भी उसका आनंद ले रहे होंगे, लोग अपने ढंग से ले रहे हैं, हम भी अपने ढंग से ले रहे हैं। एक महिला जिसका पति साधारण नौकरी करता है, वो उसको पढ़ने की अपनी इच्छा से रूबरू कराती है, उसको बताती है, अपनी इच्छा जाहिर करती है, उसको पढ़ाता है, और PCS के जरिए वो अधिकारी बन जाती है। और अधिकारी बनने के बाद दो बच्चों की माँ भी होती है, लेकिन वो अपने पति को छोड़ किसी और से प्रेम करने लगती है। इस पे खूब चर्चा हो रही है, और लोग यूट्यूबर तो बिल्कुल पीले पड़े हैं, और हर जगह इस मसले को लेकर के महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके प्रेम को लेकर के उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। दूसरी चर्चा जो हो रही है वो सीमा हैदर की है, जो पाकिस्तान से आई, वो चार बच्चों की माँ है। पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में रहता है, भाई सेना में है। चार बच्चों को लेकर के वो नेपाल होते हुए भारत आती है, और उस पकड़ी जाती है तो पता लगता है कि उसके पास तो बहुत कुछ फर्जी भी निकला। उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिया राजस्थान के एक युवक से, और अब कहा जाने लगा है कि वो पूर्णतः हिंदू बन गई है, भारतीय बन गई है। ये दोनों मसले पे लोगों की अलग अलग राय दिखती है। एक पति को छोड़ करके दूसरे के साथ जब उन्नति के सोपान पर पहुंचती है तो पेग मारने लगती है, तो लोग उसको बुरा बन कहना शुरू कर देते हैं, किसने गद्दारी की अपने पति के साथ। और दूसरी दूसरे देश से हमारे देश में आ जाती है और अपने पति को छोड़ देती है, और वहाँ से आर्तनाद करते हुए कहता है कि मेरे चार बच्चों की माँ, मेरे पास आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं, वहाँ जाएगी तो मार दी जाएगी। प्रेम यहाँ भी दिखाई दे रहा है। दोनों पति, एक का पति दुबई से आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ मेरे पास, दूसरा जो उत्तर प्रदेश की PCS है, SDM महिला है, उसका पति कह रहा है कि तुम अपने प्रेमी को छोड़ करके अपने बच्चों के पास यानी मेरे पास चली आओ। अंतर बस इतना ही है कि एक भारतीय है और एक पाकिस्तानी है। तो जो भारतीय है उसके प्रेम को तो हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से धोखा है अपने पति के साथ। उसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी है, उसके प्रति लोगों में क्रोध है। वो उसको उसका नाम आता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि बहुत जाहिल महिला है, उसको लेकर के बहुत तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहीं उस पाकिस्तानी सीमा हैदर के बारे में क्यों नहीं कठोर होते? कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा पाकिस्तान के प्रति जो हमारे अंदर जो घृणा का भाव पैदा हो गया है, वो कहता है कि नहीं, कोई भी पाकिस्तानी हो वो वफादार तो हो ही नहीं सकता, वो गद्दार ही होगा। वो हो सकता है ये जासूस हो, भारत में आई हो जासूसी करने के लिए और उसको प्लान किया गया हो। इस पर खूब चर्चा हो रही है, इस पर जांच भी चल रही है, पता चलेगा। वो जांच एजेंसियों का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। लेकिन अभी चैनलों पे यही दो खबरें खूब छाई हुई हैं, खूब मज़े ले रहे हैं लोग, खूब अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सीमा हैदर के मामले में जो ये कहने वाले लोग हैं कि ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है कि एक महिला पाकिस्तान से भाग करके अपने प्रेमी से मिलने भारत आ जाती है। पबजी क्या होता है, उसको खेलते खेलते लोगों में प्यार हो जाता है। अब इसको प्यार कहा जाएगा? चार बच्चों की माँ अपने पति को छोड़ करके किसी और पुरुष के साथ जाए, उसको प्यार तो कह ही नहीं सकते। ये वासना हो सकती है, प्यार नहीं है, इसे प्यार नहीं कहा जा सकता। प्यार की परिभाषा हमारे हिंदुस्तान में, इस आर्यावर्त में, इस भूखंड में ये नहीं है जो सीमा हैदर का दिखाई दे रहा है, और दूसरी एक और महिला जो है ज्योति मौर्या उसका दिखाई दे रहा है। प्यार का मतलब तो कुर्बान हो जाना, समाप्त कर लेना अपने आप को, इसको भारत ने प्यार माना है। प्यार जिस्म का धंधा नहीं है, जिस्म के प्रति आकर्षण प्यार नहीं है, प्यार समर्पण का नाम है। हमारे देश में है ना भाई, हम लोग तो कहा करते हैं कि प्रेम होना चाहिए भगवान राम और सीता की तरह। जब लोग कहते हैं कि प्रेम की निशानी आपको आगरा में जाके देखना है, ताजमहल देखिए प्रेम की निशानी है, तो हंसते हैं। वो लोग हंसते हैं जिन्होंने भारत के अध्यात्म को जाना है, जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है। वो जानते हैं कि भगवान राम के प्रेम के आगे वो पत्थर की
एक मीनार प्यार का प्रतीक नहीं हो सकती। प्यार का प्रतीक तो है जो भगवान राम ने सीता जी के लिए समुद्र पर पुल बना दिया था। प्यार वो है कि भाई, बड़ा भाई जंगल चला गया, छोटा भाई खड़ाऊ लेकर के नंदीग्राम में रह रहा है और उनकी पत्नी मांडवी छत पर घूम रही है और कौशल्या जी को जब आहट सुनाई पड़ती है ऊपर जाती हैं, पूछती हैं बेटा तुम सोई क्यों नहीं, तो कहती हैं कि नहीं मेरे पति अभी वहाँ नंदीग्राम में दिया जल रहा है, काम कर रहे हैं, जब तक वो विश्राम नहीं करेंगे, जब तक वो दिया जल रहा है यानी विश्राम नहीं कर रहे, जब वो विश्राम करेंगे तब मैं विश्राम करने की स्थिति में होंगी। ये प्रेम है, प्रेम वो है जो उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी से किया कि जाइए आप भाई की सेवा करिए, भाई लोक कल्याण के लिए राज पद छोड़ करके अरण्य में चले गए हैं, उनकी सेवा में आप रहेंगे तो मैं यहाँ आपकी नामौजूदगी में आपकी माताओं की सेवा करूँगी, आपकी प्रजा की जो सेवा हमसे हो सकेगी, जो आदेश मिलेगा उसको करूँगी। ये प्रेम है, प्रेम वो है जो राधा ने कृष्ण से किया था, कृष्ण ने राधा से किया था, यहाँ कोई वासना नहीं थी। ये है प्रेम, ये है समर्पण। और प्रेम आपको पढ़ना है तो तुलसीदास जी का पढ़िए, जिसमें उनकी पत्नी ने कहा कि आपको हमसे इतना प्रेम क्यों, इतना प्रेम तो आपको भगवान से होता तो शायद आप और कुछ हो जाते। वो सीख मिली और तुलसीदास जी हो गए, जिनकी एक एक अर्धाली पर कई कई PhD हो रही हैं। प्रेम तो विद्योत्मा ने कालिदास से किया था, कथा अलग कहती है, लेकिन अगर विद्योत्मा ने कालिदास को कालिदास बनने के लिए घर से पृथक नहीं किया होता तो आज हमको बहुत कुछ पढ़ने को नहीं मिलता। कालिदास जी ने जो लिखा है, जो कालजयी रचनाएं उनकी, जो लोग उसको पढ़े हैं, हम लोगों ने तो उसका अंश सुना है, ठीक से देखा भी नहीं है, वो लोग जानते हैं कि कालिदास क्या हैं। ये प्रेम के प्रतीक हैं, प्रेम समर्पण है, प्रेम वासना नहीं है। ज्योति मौर्या को, सीमा हैदर को, प्रेम के तराजू पर तोलने वालों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम भारतीयों के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन चैनलों पर जो विधवा विलाप हो रहा है, जो स्वान रुदन हो रहा है, उसको देख करके बड़ी वेदना होती है। क्यों बदनाम कर रहे हो प्रेम को? प्रेम ये नहीं है जिसको लेकर के चर्चा की जा रही है। प्रेम ज्योति मौर्या नहीं कर रही है, प्रेम सीमा हैदर नहीं कर रही है। सीमा हैदर को प्रेम करना चाहिए, आए तो फिर अपने पति से प्रेम करे जो चार बच्चों का बाप है, जिसके साथ आप चार बच्चों को जन्म देने के लिए जिसके साथ रही हैं, उसके प्रति आपका प्रेम नहीं है तो ये क्या कहा जाए? यही कहा जा सकता है कि वासना के वशीभूत होकर के आप एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं, एक पद के आकर्षण में या पद के घमंड में अपने गरीब पति को छोड़कर किसी और के साथ हम बिस्तर होती है या किसी और के साथ गलबहियाँ डाले घूमती है, इसको प्रेम नहीं, इसको वासना कहते हैं। तो कृपा करके जो लोग इसे प्रेम कह रहे हैं वो इसे प्रेम नहीं, इसे सिर्फ वासना कहें। प्रेम को समझना है तो फिर आपको जिनका मैंने उदाहरण दिया इनके बारे में जानिए, तब हमको और आपको पता लगेगा। हमको पता है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें यह समझना होगा, उन्हें यह देखना होगा, उन्हें यह जानना होगा। जब जान जाएंगे तो फिर इसे प्रेम नहीं कहेंगे बल्कि इसे सिर्फ और सिर्फ वासना कहेंगे।